नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज और कैमूर से है। कैमूर जिले के NH2 पर कुदरा पुलिस ने बीती रात बालू लदे ओवरलोड गाड़ियों को अवैध तरीके से पार कराने के आरोप में दो एंट्री माफिया को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 30,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। बता दें कि उनके मोबाइल पर कई गाड़ियों के लोकेशन के लिए फोन आ रहे थे। गिरफ्तार दोनों एंट्री माफिया रोहतास जिले के सासाराम के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अपना गाड़ी पार कर रहे थे। किस चीज़ का बालू? बालू का गाड़ी है सर, डंपर था वो। बस और क्या। कितने दिनों से काम कर रहा है ये? अभी तो इधर मैंने 15 दिन से। कितना टन लोड था उस पर? होगा 31 टन। तो कौन कौन रास्ते में थाना पड़ता है? क्या सर, हम लोग तो सासाराम से हैं। पैसा भी देना पड़ता है सासाराम तरफ? पैसा भी देना पड़ता है? वो सब ड्राइवर देता है साहब। हम लोग आते हैं अपना बालू बेच कर जाते हैं अपना। किसको देता है? जो जो कोई खर्चा लिखता है सब सब बचा सब। आप गाड़ी के साथ गाड़ी को पार करवा रहे थे ना? पार नहीं करवा रहे सर। हम लोग जाते हैं बेच कर आते हैं अपना गाड़ी खुद मानी पार्टनरी में। अभी किसको किसको पैसा देते हैं? पुलिस वाले को कि परिवहन वाले को, खनन वाले को? किसको पैसा देता है? अभी पैसा 12 बजे दिया हुआ है फुरमाबाद होटल को। फुरमाबाद होटल को किसको? मनोज उनका नाम है सर। उसी में आप गिरफ्तार हुए? क्या नाम है आपका? रमेश राम नाम पड़ेगा। शुरुआत कर शराब कारोबार पहले कर रहे थे? 2 साल से दम नहीं, 1 साल हो गया सर एकदम शराब का कोई कारोबार नहीं। 1 साल पहले होता था सर, उसमें मैं जेल गया था। मतलब किस किस थाने में तुम अभी जेल गए? सासाराम में था सर, एक औरंगाबाद में 12 छोटी थाना में। सासाराम, औरंगाबाद और 12 छोटी। अभी किस मामले में गिरफ्तार हुए सर? बालू वाले में जा रहे थे हम लोग गाड़ी पार कराने के लिए। ओवरलोड सर, लॉकडाउन में शराब छोड़ने का क्या मतलब है? सर इसलिए कितना नाम आ गया तो हम लोग सोचे कि इससे हट के अपना कुछ दूसरा कारोबार किया जाए सर। लॉकडाउन में सीरियस सर खाने पीने का बहुत दिक्कत हो गया सर, तो हम लोग तो बैठे हुए थे, सोचे कि चलिए कुछ काम करते हैं सर। तो बालू एंट्री माफिया काम? नहीं, एंट्री माफिया नहीं सर, नहीं एंट्री माफिया का काम कर रहे थे। इनका बालू था, हम जा रहे थे गाड़ी से पार करा रहे थे। नहीं सर, दोनों दिन साथी थे सर। क्या नाम आपका? उपेंद्र कुमार। अभी कई दिनों सूचना मिल रही थी कि ये खुदरा से सोलन होते हुए ओवरलोडेड ट्रक बालू के पार कर रहे हैं। अभी NH2 पर मोहनिया चेक पोस्ट पर काफ़ी सख्ती बढ़ती जा रही है, तो शराब माफिया ये एंट्री माफिया इधर से अपना ट्रक पार करा रहे थे। इसी क्रम में आज कुल 8 ट्रक सोलन और खुदरा थाना में पकड़े गए हैं। एक एंट्री माफिया जो स्कॉट करके ले जा रहा था वो भी पकड़ा गया है, और पकड़ाने के बाद वो पुलिस को 30,000 रुपये दे करके छूटने का भी प्रयास कर रहा था, वो पैसा भी जब्त हुआ है। कई मोबाइल नंबर मिले हैं जिससे ये लोग आगे आगे स्कॉट करके अपना पार करा रहे थे। ये एक बड़े एंट्री माफिया मनोज फरमाबाद का भी नाम बताया है, उन पर भी कार्रवाई प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। पहले भी उनके घर से बहुत सारा पैसा वगैरह जब्त हुआ था। अभी ये दो गिरफ्तार हुए, इसमें से एक का बड़ा शराब माफिया भी है, और रोहतास जिले में इस पर 8-10 शराब, रोहतास और औरंगाबाद और कई जिलों में इस पर कई शराब के मामले भी दर्ज हैं। अभी सबका आपराधिक इतिहास हम लोग पता कर रहे हैं, आगे कार्रवाई की जाएगी। सर जो मनोज बता रहे हैं तो कितना पैसा देकर के एक महीने में ये सब गाड़ी पार करा है? ये बता रहे हैं कि आज ही 12,000 रुपया दे करके उसको हम लोग गाड़ी पार करा। मतलब एक महीना ओवरलोड गाड़ी पार कराने का 12,000? हाँ सर। जो इस शराब का कारोबार में सर लिखता है, ये बता रहा है कि लॉकडाउन होने के दौरान हम उसको छोड़ कर दिए था? शराब के कई मामलों में मतलब आधे दर्जन से अधिक केस हैं जिसमें ये जेल गया है।
पहले भी इसके कई स्कॉर्पियो शराब लदे पकड़े हुए जो अभी भी थाने में जब्त है।